Hello children how are you i hope you all are doing good children now we will read a crow and a snake there was a banyan tree in a thick forest the tree was too old a crow with its wife lived in it the crow's wife laid eggs the snake crawled up from the hollow of tree एट ऑफ द एक्स जो बैनियन ट्री था उसमें कौन रहता था एक क्रो और उसकी वाइफ उसमें उन्होंने अंडे दिए थे स्नेक जो है हॉलो ट्री से ऊपर गया और अंडे उसने खा लिए इन दिस वे द स्नेक लेफ्ट नो एक्स इन द नेस्ट अब नेस्ट में कोई भी एग नहीं बचा था द क्रो वॉज हेल्पलेस वट कुट डू दे वॉज नो वे आउट अब क्रो जो क्या हो गया था बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था वन डे बाई चांस द प्रिंस केम इन द फॉरेस्ट ही केम फॉर शूटिंग वाइल्ड बीस बीस एनिमल्स जो प्रिंस था वो फॉरेस्ट में क्यों आया जो वाइल्ड बीस थे वाइल्ड एनिमल्स थे उनको शूट करने के लिए मेनी सोल्जर्स वर ऑल्सो विथ हिम देअ वॉज अ पॉन नियर द ट्री द प्रिंस विश्ड टू टेक अ बाथ एन इट अब जो प्रिंस था उसने क्या सोचा कि वो इस पॉन्ड में नहा ले। the crow came फ्लाइंग इट picked द नेकलेस ऑफ द प्रिंस इन इट्स बीक अब जो क्रो वहां आया तो उसने क्या करा जो नेकलेस रखा हुआ था उसको अपनी चोच में ले लिया द सोल्जर इट द क्रो फ्लू टू द banyan tree. इट ड्रॉप द नेकलेस टू द हॉलो ऑफ दी अब क्या किया क्रो ने जो बीक में वो लेके गया था नेकलेस उसको उसने पेड़ के वहाँ पर गिरा दिया द सोल्जर्स क्लाइंट पीप्ड पीप्ड देस झांकना जो हॉलो स्पेस था उसमें उन्होंने झांका द स्नेक हिस्ट एट दे गो देन देर्ड द स्नेक क्या किया उन्होंने गन को रखा हॉलों में और उसके बाद उसको मार दिया देन दे टुक द नेकलेस बैग दस द क्रू गॉट रिट ऑफ द स्नेक दे बिकेम हैप्पी बिकॉज द टायरेंट वॉज किल्ड सूनर और लेटर अब जब उसको मार दिया तो जो क्रो था वो बहुत खुश हुआ क्यों खुश हुआ क्योंकि टायरेंट टाइरेंट मींस टाइरेंट का मतलब होता है जो किसी को बड़ी बेदर्दी से मारता है तो उसने उसको खुशी किस बात की हुई कि फाइनली जो टायरेंट था वो मारा गया तो देखा बच्चों अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी गलत होता है हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी दीज आर द एक्सरसाइजेज़ आपको ये एक्सरसाइजेज अपने आप करनी है ना यू कैन प्रैक्टिस इट